नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार आज यानी कि शुक्रवार को बेलार्ड एस्टेट स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर में पेश होंगे। शरद पवार ने अपने समर्थकों से अपील की है कि वे ईडी के दफ्तर के सामने ना जुटे। हालांकि उनके पोते रोहित पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से पेशी के दिन मुंबई में जुटने की अपील की है, जिससे शरद पवार की पेशी के दौरान हंगामे के आसार हैं। वहीं शरद पवार ने कहा कि हम संविधान का आदर करने वाले लोग हैं, इसलिए पुलिस और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ जांच में सहयोग करें, किसी भी तरह का ऐसा कोई काम ना करें जिससे लोगों को दिक्कत हो। ईडी ऑफिस में शरद पवार की पेशी होनी है। पवार ने पार्टी कार्यकर्ताओं को यहां पर कहा है कि हंगामा ना करें। शरद पवार ने अपना स्टेटमेंट में भी दिया है कि हम न्यायपालिका का सम्मान करते हैं, इस तरह के हालात नहीं होंगे। तो शरद पवार की आज पेशी होनी है।